से लेकर शादी तक की थीम में रोनित दा ने शादी का प्रपोजल रखा है, लेकिन शादी की शहनाई बजाने आ रहे हैं हुसैन और उनके कल के कलाकार। तो घराती बनकर स्वागत कीजिए इस बारात का। हमें स्टैंडिंग ऑवेशन मिला था जो आज तक किसी भी टीम को नहीं मिला। वंडरफुल। और उसके नेक्स्ट वीक का रिजल्ट ये था कि हम लोग बॉटम टू में थे। हम लोग जब परफॉर्म करके आते तो हम खुद से अंदर फील होता है कि हाँ हम बहुत अच्छा करके आए, औरों से अच्छा करके आए, किधर कमी हो रही है, हमें वोट्स क्यों नहीं मिल रहे समझ में नहीं आ रहा है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग बॉटम टू में आएंगे। बहुत सारे सपने लेके मैं इस रियलिटी शो में आया हूँ, एक एक सपना टूटते नजर आता। One more bad move, in spite of making all the good moves, just one more bad move and you're out. हम लोग non-stop 15 hours practice कर रहे हैं, किसी का पैर इंजर्ड है, सबकी प्रैक्टिस करके बुरी हालत है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करेंगे। मजा आ गया दादी, इसका मतलब ये लव एट फर्स्ट साइट और ये छेड़छाड़ आपकी शादी में भी हुई थी? हाँ बेटा, कल और आज में स्टाइल थोड़ा बदल गया है। थोड़ा नहीं दादी, आजकल तो सब कुछ एडवांस हो गया है। बस कर, हमारी शादी भी कुछ कम नहीं थी। हमारी शादी में मेरे रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग मेरे संग आएगी संग। मेरे रंग रंग में रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगा तू रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगा तू संग। रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तू रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग। रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तू रंग मेरे संग संग। सच दादी, आपकी शादी वाकई में कुछ कम नहीं थी। तुम्हारे दादा ने वादा किया था
आपके साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, लेकिन आज रह गई हैं तो बस उनकी यादें। एकदम राष्ट्रीय प्रोडक्शन, करण जौहर प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन, सब कुछ यहाँ पर आप लोग ने जीवित कर दिया। हाँ, एनर्जी मतलब रेडबुल पी के सब आए थे भाई, ऐसी एनर्जी कमाल थी, एनर्जी थी कि क्या, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। एक जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत। हुसैन बाबू बताओ कि बहुत मेहनत, बहुत लगन सभी लोगों की दिखाई दे रहा है चेहरे पे, दिखाई दे रहा है। हमेशा होती है, कभी मेहनत रंग लाती है, कभी नहीं लाती। नहीं नहीं, आज तो पूरा कूट कूट के लाई है, बाढ़ भाई, पूरा बाढ़ था, बाल्टी में थी रंग आप लोगों की। अरबाज भाई क्या कहने। हुसैन एंड भावना, आई विल बी अ लिटिल क्रिटिकल टुडे अबाउट योर परफॉर्मेंस। प्लीज प्लीज अरबाज, प्लीज सी योर कॉन्सेप्ट वॉज, आपने इंट्रोडक्शन जो शुरू किया था वो था अबाउट दिस ग्रैंड मदर टॉकिंग अबाउट हर मैरिज, एंड व्हेन यू ब्रोक इनटू द एक्ट, it looked like it was not of even the present, it looked like it was of the future. There was no element of it giving that feeling of nostalgia or the past or the feeling your grandmother is talking about it, you see, it was her this thing. It looked like a vibrant act of, you know, so that then either you do the act just the way it is, then don't have that prelude to that. So it didn't make that much sense. The other thing that I'm going to be very critical, ke ye jo show hai isme आपकी नजर आपके टीममेट्स पे भी जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई एम गोइंग टू से दैट आप दोनों से नजर हटी ही नहीं। यू ऑल वाज सो गुड दैट यू नो यू वन वाज जस्ट एंजॉयिंग वाचिंग यू परफॉर्म, एंड सो आई डोंट नो वेदर दैट इज अ गुड थिंग और नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इट्स फाइनली अ टीम एफर्ट आउट हियर। नो आई गेस इट्स मोर देन अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, तो मैंने हमेशा कहा है कि ये हमारे बारे में, मेरे बारे में नहीं है, या भावना के बारे में नहीं है, हमारे बारे में है, तो इट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। और जहाँ तक आपने जो पहला जो आपने क्रिटिसाइज किया के दादी से लेकर, इट डायरेक्टली केम इन टू यू प्रॉब्ली वर एक्सपेक्टिंग समथिंग के जो पास का होगा, या यू नो पुराने गाने पे शायद कोई डांस होगा, प्रॉब्ली ये आपने एक्सपेक्ट किया था, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। हमने इस मामले में थोड़ी लिबर्टी ली है, ये हमारी छोटी सी गलती है, अगर आपने इसे पकड़ ली, वेरी वेल डन, मस्ट से वेरी गुड जज फॉर दैट। मीका जी आप क्या कहें। जैसे आपने बोला ये कुछ पी के आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, इनकी इतनी एनर्जी कहाँ से, सब में इतना जोश में डांस कर रहे, इतना, और सबसे मुश्किल होता है कि स्माइल करके डांस करना, एंड तक आपने जोश में परफॉर्म किया, तो ये कमाल की बात है, तो आई थिंक बहुत बढ़िया करा। स्मृति जी और साक्षी जी क्या सोचती हैं, क्योंकि मामला थोड़ा लास्ट परफॉर्मेंस पे कुछ खेल बदल रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे जरूर। वेलकम बैक टू डांस की जंग, वोडाफोन, ये है जलवा। साक्षी जी और स्मृति जी, अब तक एक ही सीरियल में आप लोगों ने कितनी बार शादी की है, प्लीज बताइए ना। मेरी जीवन में और सीरियल में एक ही शादी हुई है। आप? मेरी सिर्फ सीरियल में हुई है, जीवन में होनी बाकी है। ओह, हिंदुस्तान ने सुन लिया। खैर, बहुत अच्छा लगा कि आज साक्षी जी ने एक अच्छी बात कही, हिंदुस्तान को और सारे नौजवानों को और सारे बैचलर्स लोगों की लॉटरी लग गई, अपनी अपनी कोशिश करेंगे। लड्डू कितने दे रहे हैं इस एनर्जी के लिए, इस खूबसूरत सिंक्रोनाइज डांस के लिए आप लोग? मैं ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, लॉट मोर तो था, मतलब एनर्जी का लेवल जहां तक कंसिडर किया जाए, Nobody can match up to you, definitely. और इतना effortlessly आप लोग वो steps कर जाते हैं, जो मतलब मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है। Dance की technicalities के बारे में मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जैसे शुरू हुआ था, sorry Arbaaz, I don't agree with you, but जैसे वो शुरू हुआ था, मुझे लगा था कि एक feel आ रहा है about the marriage, you know, and it's going to go in a direction जहाँ मुझे और कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन suddenly वो एक मतलब hardcore dance step सिर्फ मुझे देखने को मिला, और वो स्टोरी थोड़ा बैक सीट ले गई, और फिर एंड में जब वो याद दिलाया गया कि हाँ ये चल रहा था, तो याद आया कि अच्छा ये ऐसा कुछ हो रहा था। कहीं उन लोगों का जो एक ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी इमोशंस की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डांस, दैट वाज फैंटास्टिक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इमोशनल पार्ट, द कॉन्सेप्ट पार्ट। या वी शुड प्रोबब्ली जस्ट हैड वेलकम टू मल्होत्राज मैरिज और यू नो तनवर्स मैरिज फॉर दैट मैटर। स्मृति जी आप बड़ा सोच रही हैं,
इतने हफ्तों के सफर में सबसे बड़ी प्रशंसक अगर हुसैन की कोई रही हो इस मंच पर तो वो मैं हूँ. मैंने अपने करियर की शुरुआत इनके साथ की, इसलिए अपेक्षा इनसे बहुत है. और आज इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद इतना कह दूं कि नाट्य रूपांतर नृत्य से बेहतर था. एक डिसजॉइंट था जो साफ नजर आ रहा था, फ्लो बिल्कुल नहीं था. इतने हफ्तों के इस सफर में ये सबसे ठंडा परफॉर्मेंस रहा. मैं आपको टोक कर कुछ कहना चाहूंगा. बोले हुसैन मियां, मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर उनकी सारी बातों पे आप डिफेंड करें, क्योंकि आप मेंटर हैं, आप लीडर हैं इन लोगों के. सर मैं डिफेंस में जनरली मैं डिफेंड तो नहीं करना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से टू ईच इज ओन. जो उसने किया है उसने किया है, लेकिन मैं मेरी सिर्फ एक ही बात में जो मैं मानता हूं वो ये है कि हर बार कई बार होता है, मैं अपनी टीम में मानता हूं, उनकी मेहनत में मानता हूं, उनकी एफर्ट में मानता हूं. मैं कभी नहीं कहूंगा कि इन लोगों ने कम मेहनत किया, कम एफर्ट किया है, लेकिन कभी कभी हाँ तेंदुलकर भी जीरो पे आउट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है. सो आई विल नेवर से दैट माय टीम इज नॉट गुड. हो सकता है कि समवेयर डाउन द लाइन आज हम लोग कहीं मार खा जाते हैं, तो विच इज अ पॉसिबिलिटी, एंड वी शुड टेक एवरीथिंग इन द स्ट्राइड द वे इट कम्स. हमेशा छक्का नहीं लगता, कभी कभी आप आउट भी हो जाते हैं, तो हो सकता है आज हमारा वो दिन हो. और इट्स अबाउट इट. सिकंदर बाबू आप पर आते हैं. शरद बाबू, रोनित दादा, हुसैन बाबू, इन तीनों की परफॉर्मेंस आपने देखी, आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आया. आप थैंक्स. नहीं, बहुत ही मेहनत है और बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी थी. आई मीन दे वर यू बर्स्टिंग विद एनर्जी. कंप्लीट अच्छे इंसान हो तुम यार, बहुत अच्छा ही बोलते हो. बोलो ना. नहीं, बहुत ही मेहनत का काम है, उन्होंने लगता है कि बहुत मेहनत किया उन्होंने. तो आई थिंक इनकरेजमेंट इज द ओनली थिंग दैट्स गोना टेक यू फॉरवर्ड, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट विल मेक यू प्रॉबली परफॉर्म बेटर नेक्स्ट वीक, एज इफ सम पीपल डिडंट रियली अप्रिशिएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. तो आई गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू गाइस, इट वाज वेरी गुड. थैंक्स अ लॉट. नेहा जी, जब कॉन्सेप्ट की बात होती है तो आई डू अग्री विथ जो अरबाज ने अभी कहा, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे परफॉर्मर्स बहुत ही अच्छे थे, एंड इट्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन. साक्षी जी, स्मृति जी तो बड़े गुस्से में लग रही हैं हमें. आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या लड्डू देना चाहेंगी आप? 7. थैंक यू. 7. वाह. हुसैन ने सच कहा कि कभी कभी तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हो जाता है, और हुसैन जब तेंदुलकर जीरो पे आउट होता है तो भारत के जो रन स्कोर है उसका क्या हाल होता है, शायद आज वही तुम्हारी टीम का हुआ है. 5. माथे ने रूप को अलग धारण किया. अच्छा चलो एक बार बताओ, बहुत अद्भुत तुम एंकर हो भाई, तुम्हारे तो हम दीवाने हैं, मुरीद हैं तुम्हारे. जब टीवी पर आते हो पगला देते हो पूरे हिंदुस्तान को. मैं कैसा रहा आज, पहली बार कर रहा हूँ? सर बहुत बढ़िया. सही बोलो. सच बिल्कुल, जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता. सर आपकी नहीं, सबकी नौकरी खतरे में है. मैं भी कुछ और कोई शो करना चाहूंगा तो वहां पर पता चला रवि जी. रवि पाजी बाबू, आपके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप चारों के लिए, मतलब आप चार ही हो, कि आप लोगों से हमें बोलना सीखना बहुत जरूरी है. मैं और बात हमें समझ नहीं आ रही कि हम बोलेंगे, और आप बोलते ही जा रहे हैं, ये कमाल की बात है. आई थिंक ये सीखने को मिल रहा है कि यार बोलना सीखना आप लोगों से, कमाल का बोलते आप. जीना रवि सॉरी, चूंकि मीका कह रहे हैं कि हम बहुत बोलते हैं, उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए. बहुत अच्छा बोलते, मैं ये कह रहा हूँ. उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए कम से कम मेरी और साक्षी की ओर से एक ही बात कह पाऊंगी कि हमें बहुत ही गर्व है आज आपकी इस परफॉर्मेंस के बाद कि हमारा स्थान आपने लिया है. वेरी वेल डन. कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं आप सभी लोगों को. ये दो नारी महिला का जो शक्ति आज जो चेयर ने हिलाया हुआ पूरे इस मंच को, सब सबके तोते उड़े हुए. दो नहीं, नारी, सिर्फ नारी. हाँ, तो हाँ, आज इनके बारे में इनकी इनकी जजिंग कैसी रही? हुसैन एकदम सच कहना है, क्योंकि आज इन लोगों ने बहुत सच मारा. नहीं अगेन, उन लोगों ने बहुत ही ऑनेस्ट जजिंग की है हमारे परफॉर्मेंस के लिए, और मैं इस बात को मानता हूँ. तो मैं भी बहुत ही ऑनेस्ट जजिंग करूंगा उनके लिए. मैंने काफी सारे शोज किए हैं, रियलिटी शोज, जहाँ पर जजेस रहते हैं. जनरली जजेस डामकडोल हो जाते हैं. मैं उन्हें अच्छे मार्क्स इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि उनका पहला एपिसोड है, लेकिन देखना चाहूँगा कि अगर पूरा, अगर वो एक पूरे सीजन को इसी तरह जज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको पता नहीं चलता. जनरली पहले परफॉर्मेंस पे 10 मार्क्स देना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई परफॉर्मेंस आता है विच इज़ बेटर, देन यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू. तो उस हिसाब में आई थिंक आई अज्यूम कि ये इनकी पहली बार है जो इन लोगों ने जजिंग किए, एंड अकॉर्डिंग टू मी फुल मार्क्स 1, बिकॉज आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया जजिंग वाइज, स्पेशली मार्क्स वाइज.
हमेशा हमें लगता है कि अरे यार उसको 7 दे दिए, इसको 5 दिए, मतलब क्या जज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. एंड नोइंग दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट द बेस्ट ऑफ डांसर्स, वो भी ध्यान में रखते हुए आई थिंक गाइस हैव डन अ फैबुलस जॉब. ये लुक हल्के से भाई, हल्के से चाबुक आया है. वाह वाह, हल्के से. रोनित दादा बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है. रवि आज 5 देने के बाद ये चाबुक एक्सपेक्टेड था. अभी तो मैं वेट कर रही हूँ कि अगले हफ्ते क्या क्या सुनने को मिलेगा. नॉट ऑल परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड दैट्स ऑनेस्ट. नहीं नहीं, बड़े पॉजिटिव हैं भाई, कलाकार सब बड़े पॉजिटिव हैं. तो हुसैन बाबू, अब हिंदुस्तान जो आपका दीवाना है, आप उनसे कुछ फरियाद करें. बिल्कुल करूंगा. खतरे के दायरे में तो रहने की आदत पड़ चुकी है हम दोनों को, हमारी पूरी टीम को. अभी तो पता नहीं कि वो कैसी फीलिंग होती है जब आप दूसरे साइड पे होते हो. और ये परफॉर्मेंस के बाद तो मैं गुजारिश करने के लिए भी मुझे थोड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी अगर मौका मिला तो डेफिनेटली, जैसा उन्होंने कहा है अभी स्मृति जी ने कहा कि हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे. एक ही बात मैं मानता हूँ कि हमारी टीम में वो जान है, क्योंकि पहले हम परफॉर्म कर चुके हैं और पहले अच्छे कमेंट्स हमारे जज से मिल चुके हैं. तो उम्मीद करते हैं आगे भी मिलेंगे दोस्तों. लेकिन अगर इस परफॉर्मेंस के लिए भी अगर आप वोट करना चाहे, अगर आप वोट करना चाहे तो हमें वोट करने के लिए टाइप कीजिए जलवा JALWA 7 और भेज दीजिए 56644 पर. लैंडलाइन यूजर्स कॉल करें 1862-888-9999-97 पर 97 हमारा टेली वोटिंग कोड है. और सारी वोटिंग इन्फॉर्मेशन आपके टीवी स्क्रीन पर है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हुसैन बाबू, आपको पूरी टीम को धन्यवाद. मुबारक मुबारक. प्लीज थैंक यू. धन्यवाद.